हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एंट्रेंस एग्जाम गाइड। सो गाइस, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ईएफएलयू 2023 के बारे में। जी हाँ गाइस, ईएफएलयू 2023 क्या है, किस लिए एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है, इस एग्जाम के तौर आप लोगों को कौन से कोर्सेज में एडमिशन मिलेगा, इसका एप्लीकेशन फॉर्म कब रिलीज होता है, किस तरह से फिल करना है, सिलेबस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, कौन कौन एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकता है, कौन कौन अप्लाई नहीं कर सकता, सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगर ईएफएलयू 2023 के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट आता है, कोई भी नोटिफिकेशन रिलीज होता है, तो हम आपको वीडियो के थ्रू अपडेट करके आपको नोटिफाई कर पाएंगे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। अब गाइस, सबसे पहले यहाँ पे ईएफएलयू का फुल फॉर्म देख लेते हैं। ईएफएलयू स्टैंड्स फॉर इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी। ये जो है गाइस यूजीपीजी लेवल के यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम है, यहाँ पे आप लोगों को वेरियस कोर्सेज में एडमिशन मिलता है। और ये जो आपका एग्जाम है ईएफएलयू, ये खुद इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी के थ्रू कंडक्ट ऑर्गेनाइज कराया जाता है। एग्जाम आपका ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन दोनों ही मोड में आप लोगों का एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट ऑर्गेनाइज यहाँ पे जो हेल्प कराया जाएगा। अब गाइस, यहाँ पे हमने इसके हाइलाइट्स देख लिए, अब इसके बारे में और डिटेल में जानना शुरू करते हैं। लाइक सबसे पहले यहाँ पे इसकी डेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो गाइस, आप लोगों का जो एग्जाम है यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों का यहाँ पे पीजी कोर्सेज का एग्जाम लास्ट वीक ऑफ जून में कंडक्ट करवाया जाता है, एंड यूजी कोर्सेज का यहाँ पे सेकेंड वीक ऑफ जून में एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट हेल्प कराया जाता है। ऑल्दो अभी तक ऑफिशियल अथॉरिटी के थ्रू डेट अनाउंस नहीं की गई है, जैसे डेट्स अनाउंस करेगी ऑफिशियल अथॉरिटी उसके ऊपर वीडियो बना के उस वीडियो में हर एक इवेंट की डेट आपको एक्सप्लेन करके बता दी जाएगी। अब नेक्स्ट बात करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म की। तो गाइस, आप लोगों का जो एप्लीकेशन फॉर्म है यहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम कोई भी गलती करते हैं, कोई भी मिस्टेक करते हैं, कोई भी इनवैलिड डिटेल्स आप अगर एंटर करते हैं, तो आप लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म जो है गाइस यहाँ पे रिजेक्ट हो सकते हैं, मे बी एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट ना हो। अब क्या करना होगा कि आप लोग एप्लीकेशन रिजेक्ट ना हो, वो प्रोसेस भी हम देखेंगे, लेकिन उसके पहले देखते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है। सबसे पहले आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी होती है, लाइक योर नेम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, कम्युनिकेशन एड्रेस, करस्पॉन्डिंग एड्रेस, देन आपको जो है पेरेंट्स डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल एंटर करनी होती है, फिर आपको जो है यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करनी होती है, लास्ट में एप्लीकेशन फी पे करनी होती है। ये पूरे प्रोसेस में अगर आप कोई भी गड़बड़ करते, कोई भी मिस्टेक करते, तो आप लोगों का एप्लीकेशन यहाँ पे डायरेक्टली रिजेक्ट हो सकता है, मे बी आपका एप्लीकेशन यहाँ पे एक्सेप्ट ना हो। क्या करना होगा कि एप्लीकेशन रिजेक्ट ना हो गाइस, सिंपली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही यहाँ पे आप लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होगा, हम उसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे, उस वीडियो में आप लोगों को लाइव एप्लीकेशन फिल करके बताया जाएगा। जी हाँ गाइस, फ्रॉम स्टेप वन आपका नाम एंटर करने से लेकर टिल फाइनल सबमिशन एप्लीकेशन फी तक इवन आप लोगों को उस वीडियो में पे करके बताई जाएगी। तो मेक श्योर कीजिए आपने चैनल को सब्सक्राइब किया, ताकि आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में परेशानी दिक्कत ना हो। बात करेंगे एप्लीकेशन फी की। तो जनरल कास्ट और ओबीसी कैटेगरी के लिए गाइस यहाँ पे 500 रुपीस एप्लीकेशन फी है, वही एससी और एसटी कास्ट कैंडिडेट के लिए 250 रुपीस एप्लीकेशन फी आपका रखा गया है। अब गाइस आगे बढ़ेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे, क्योंकि अगर आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करना कंपलसरी मैंडेटरी है। अगर इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप सेटिस्फाई नहीं करते, तो आप लोग इस एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे, इस एग्जाम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो आइए चेक करते क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सबसे पहले यहाँ पे बीए कोर्स की एलिजिबिलिटी बता दो, आप 12th पास आउट रहनी चाहिए विद मिनिमम 50% मार्क्स, रिजर्व कास्ट के लिए 45% यहाँ पे एग्रीगेटेड मार्क्स रख दिए गए। हाँ, अगर आप अपियरिंग कैंडिडेट हैं तो भी आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। एमए कोर्स की बात करें तो आपके पास बैचलर्स डिग्री रहनी चाहिए विद मिनिमम 55% और रिजर्व कास्ट के लिए 50% यहाँ पे रख दिया गया है। और यहाँ भी अगर आप यहाँ पे करंटली अपियरिंग कैंडिडेट हो, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करेंगे एग्जाम पैटर्न। तो गाइस, आप लोगों का जो एग्जाम पैटर्न और सिलेबस, ये दो कॉन्सेप्ट है, अगर आपके ये दो कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप आसानी से इसकी प्रिपरेशन करके इसे क्लियर करके क्रैक कर सकते हैं। तो आइए चेक करते हैं क्या है इसका एग्जाम पैटर्न। तो गाइस, सबसे पहले आपका एग्जाम मैं बता दूं, यहाँ पे ऑफलाइन में यहाँ पे कंडक्ट करवाया जाएगा, एज वेल एज ऑनलाइन में भी यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन के चार ऑप्शन, चारों ऑप्शन में से जो भी ऑप्शन सही लगे, सिंपली वो एक ऑप्शन आप लोगों को सेलेक्ट करना होगा। टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 100 क्वेश्चन फॉर 2 आवर्स, यानी आपको 2 घंटे के ड्यूरेशन दिया जाएगा, 2 घंटे में आपको पूरा पेपर यहाँ पे कंप्लीट करना होगा। हर एक सही आंसर के लिए 1 मार्क्स दिया जाएगा, और यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपके लिए नहीं रखी गई है। अब गाइस, सिलेबस की बात करें तो सिलेबस काफी ज्यादा वास्ट है, तो कंप्लीट डिटेल सिलेबस यहाँ पे डिस्कस नहीं हो सकता था, इसीलिए सिलेबस की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए, वहां से आप डायरेक्टली अपना सिलेबस कंप्लीटली चेक कर पाएंगे। अब नेक्स्ट बात की जाएगी, यहाँ पे आप लोगों को एडमिट कार्ड की,
तो आप लोगों का जो एडमिट कार्ड है यहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एडमिट कार्ड में आपका फोटोग्राफ, सिग्नेचर, सब्जेक्ट, टाइमिंग, ये सारी डिटेल्स रहती है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि कई बार स्टूडेंट्स को पता ही नहीं चल पाता कि एडमिट कार्ड रिलीज हो चुका है, वो एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पाते, इसीलिए फिर एग्जाम के लिए भी नहीं अप्लाई कर पाते। तो आपके साथ ये सारे इशू ना, इससे सिंपली क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि जैसे एडमिट कार्ड रिलीज होगा उसके ऊपर हम वीडियो बनेंगे, उस वीडियो के थ्रू आप लोगों को बता दीजिएगा किस तरह से एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, लाइव एडमिट कार्ड डाउनलोड करके बताया जाएगा, सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है, और आप लोगों का भी एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर चुके होंगे। सेम एज इट इज फॉर यहाँ पे रिजल्ट की बात करेंगे, रिजल्ट के लिए भी सेम प्रोसेस आप लोगों को वीडियो के थ्रू अपडेट किया जाएगा। सो गाइस, नाउ आई होप कि आप लोग यहाँ पे EFLU एंट्रेंस एग्जाम 2023 के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट नहीं होगा। इनकेस डाउट है, कोई भी हेल्प चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम फेस होती है, आप डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, चाहे तो टेलीग्राम चैनल की और इंस्टाग्राम की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दीजिए, वहां पे भी आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए। Thank you friends and best of luck for your future.